हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, बीपीएससी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है और ये भर्ती सिविल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए निकली हुई है। इस भर्ती से रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशनल और जॉब से रिलेटेड अपडेट हम हमेशा आपको देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैंने जो ऑनलाइन अप्लाई वाला सेक्शन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे आया हुआ है और सबसे नीचे थोड़ा सा आइएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा दो पीडीएफ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल कॉम्पिटेटिव एग्जाम और दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ओके। यहाँ पे 01/2019 है एडवर्टीजमेंट का नंबर सिविल वाला का, ओके। और सेकेंड जो है 02/2019 है इलेक्ट्रिकल वाला ट्रेड का, ओके। फ्रेंड्स, हम लोग पीडीएफ की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट डेट कब है और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग आपका कब है, ओके। तो सभी जो दोनों नोटिफिकेशन है सबका 19 मार्च 2019 से ऑनलाइन अप्लाई हो गया है और लास्ट डेट इसका 10 अप्रैल 2019 रखा गया है। यहाँ पे दो पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, उस पर हम लोग चलेंगे। और यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, ठीक है, जिस भी एडवर्टीजमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस एडवर्टीजमेंट का अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया गया है। और इस पेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अप्लाई करना चाहे तो अप्लाई भी कर सकते हैं, और कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले हम लोग बढ़ेंगे 01/2019 वाला नोटिफिकेशन, यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसके नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं भवन निर्माण विभाग यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो विभाग है उसके अंतर्गत आपको 31 पोस्ट मिलेगा सिविल इंजीनियर का। और यहाँ पे संसाधन जल संसाधन विभाग के अधीन सहायक अभियंता, ठीक है, तो जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आपको सिविल का 83 पोस्ट टोटल देखने को मिल जाएगा, यानी 31 पोस्ट और 83 पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे विवरण दिया गया है सीटों का, ठीक है। भवन निर्माण विभाग के सीटों का विवरण ये है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे और देख लीजिए किस किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट है। और यहाँ पे कुल पोस्ट 31 है और यहाँ पे 35% क्षैतिज आरक्षण है महिलाओं के लिए, जिसमें 31 पोस्ट में से आपको 9 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे विकलांगता अधिनियम के तहत यहाँ पे 4% पोस्ट आरक्षित है, जो कि 4% इसका एक पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। और यहाँ पे जल संसाधन विभाग के देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी 83 है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और 35% आरक्षण है महिलाओं का, जिसमें 83 में से 15 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। और यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक संख्या इतना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के जो पोता पोती हैं उनके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आरक्षित हैं। और विकलांगता अधिनियम के लिए 4% पोस्ट, यानी यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे आरक्षित किया गया है। और यहाँ पे वेतनमान लेवल 9th के तहत आपको मिलेगा, पे बैंड जो आपका होगा सेकेंड पे बैंड के तहत आपको मिलेगा और ग्रेड पे आपको 5400 रुपया वेतन आपको मिलेगा, ठीक है। और शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दिया गया है किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से AICTE से सिविल अभियंत्रण में डिग्रीधारी आप होना चाहिए, यानी सिविल इंजीनियरिंग का आपके पास डिग्री होना चाहिए। और अगर आपके पास में AICTE से अप्रूव्ड जो संस्थान है उसका आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको सेकेंड ऑप्शन दिया गया है कि DMED विश्वविद्यालय से आपका जो अगर सर्टिफिकेट है आपका, अगर किए हैं सिविल इंजीनियरिंग में आपका अगर है सर्टिफिकेट तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म के, ठीक है। अभी हम उम्र सीमा की बात कर लेते हैं, आपको 1/8/2018 को एज काउंट होगा और न्यूनतम एज इसमें आपको 21 वर्ष चाहिए और अधिकतम जो जनरल के पुरुष हैं उनको 37 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के उनके जो अधिकतम एज है 40 वर्ष चाहिए और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पुरुष एवं महिला के अधिकतम जो एज है 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। आगे हम चयन की प्रक्रिया देख लेते हैं। चयन की प्रक्रिया आपको रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगी, डिटेल में आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। यहाँ पे अनिवार्य पत्र यानी जो कंपलसरी पेपर होगा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, सामान्य अंग्रेजी सामान्य हिंदी सामान्य अध्ययन और चौथा पेपर यहाँ पे दिया गया है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से। सभी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा सभी का टाइमिंग रहेगा और सभी का मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको आरक्षण भी दिया जाएगा, अगर आपको आरक्षण लेना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और लोगों के लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान है, आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं।
और यहाँ पे ऑनलाइन से रिगार्डिंग मैं डेट आपको बतला दूं कि रजिस्ट्रेशन का डेट 19 मार्च से 2 अप्रैल 2019 तक है। ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2019 तक है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2019 तक है। ओके, और आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन की हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2019 के अपराह्न 5 बजे तक यहाँ पे टाइमिंग रखा गया है। तो फ्रेंड्स, एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2019 यानी जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने अपने से आपको बतला दिया है। अगर उसमें कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैं बतला दूं, पीडीएफ थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर है तो आपको समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि मैं आपको बतला आया हूँ कि इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ से एक क्लिक में आपका पीडीएफ डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं असिस्टेंट इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट है उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत। ठीक है, चलिए चलते हैं उसमें। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो विभाग है उसमें आपको इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर के 33% इसमें दिया गया है और कैटेगरी वाइज सीटों का यहाँ पे आप देख सकते हैं विवरण दिया गया है पूरा लिस्ट में। और कुल जो पोस्ट है 33 है और महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित जो पोस्ट है 11 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित है, 33 में से ही 11 पोस्ट। ठीक है, और जो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं उनके लिए 1 पोस्ट आरक्षित है इसमें। और आगे जो विकलांगता के अधिनियम के तहत 4% जो पोस्ट है उसके अंतर्गत यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 2 पोस्ट आरक्षित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतनमान आपको इसमें भी लेवल 9 के तहत पे बैंड 2nd रहेगा और ग्रेड पे आपको 5400 रुपया मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे दिखा देते हैं हम, शैक्षणिक योग्यता आपको किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय AICTE जो अप्रूव्ड हो उसके तहत आपको विद्युत अभियंत्रण यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, वो नहीं है अथवा करके 2nd दिया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त संविद्यालय यानी जो DMED विश्वविद्यालय है उनका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे उम्र सीमा दिया हुआ है 1/8/2018 को काउंट होगा, न्यूनतम 21 वर्ष है और यहाँ पे 37 वर्ष है जो जनरल के पुरुष है उनके लिए और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं एवं जनरल की महिला के लिए 40 वर्ष है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा दिया गया है। और यहाँ पे चयन की प्रक्रिया बताया गया है, आपको चयन की जो प्रक्रिया होगी आपको रिटेन एग्जामिनेशन की बेसिस पर ही होगी और यहाँ पे रिटेन एग्जामिनेशन में जो भी आपको कंपलसरी पेपर है और ऐच्छिक विषय है। ठीक है, यहाँ पे दोनों का दोनों यहाँ पे दिया गया है। कंपलसरी पेपर में अंग्रेजी हिंदी और सामान्य अध्ययन सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, सभी का टाइमिंग 1-1 घंटा रहेगा, सभी जो क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी का जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100-100 नंबर का होगा। और यहाँ पे ऐच्छिक जो पत्र है यहाँ पे विद्युत अभियंत्रण और विद्युत अभियंत्रण का ही है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ रहेगा, 2 पेपर होगा विद्युत अभियंत्रण का। ठीक है, लिखा हुआ है 1-1 घंटा का टाइमिंग होगा। आगे देख लेते हैं, इसमें आरक्षण का भी प्रावधान है, पिछले वाले में भी था इसमें भी है, मैं दोनों का एक ही जगह बतला दे रहा हूँ। आरक्षण जो है आपको बिहार के जो मूल निवासी है उन्हीं को मिलेगा और वहां पर जो प्रमाण पत्र पेश करना होगा जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी मूल निवास पत्र यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, वहां पे जाति और डोमिसाइल प्रमाण पत्र देना होगा वहां पे। ठीक है, तो आपका आरक्षण मान्य होगा। ठीक है, और यहाँ पे बिहार के निवासी के लिए ही केवल आरक्षण मान्य है, ऐसे तो ये ऑल इंडिया जॉब है लेकिन बिहार के जो स्थायी निवासी उन्हीं के लिए आरक्षण मान्य होगा। बिहार राज्य सरकार जो है उसके अंतर्गत जो भी आरक्षण का नीति है उसी को फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन से रिगार्डिंग जो सभी डेट है यहाँ पे मैंने जो पिछले नोटिफिकेशन में बताया है जस्ट वही वाला डेट है। ठीक है, तो उसे आप देखकर समझ सकते हैं। और यहाँ पे आरक्षण जो कोटी है यहाँ पे SC ST EBC और BC और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उनको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा जो बिहार के निवासी है। ठीक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मेरे हिसाब से तो अभी कवर हो गया है और इसमें कुछ छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और बस यही आपको अपडेट देना था। अगर अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।